जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग खड़े हैं मदर टेरेसा वार्ड में। परिसीमन के बाद में ये अजीत कुकरेजा जी का वार्ड हो गया है। यहां पर यहीं से आप दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में जो पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, अजीत भाई जो है एमए पॉलिटिकल साइंस किए हैं और आईएएस की तैयारी करने के बाद में राजनीति में सेवा के लिए जो आते हैं लोग, ऐसे यूथ हमारे साथ में। अजीत भाई, आपका स्वागत है। आपकी दावेदारी बहुत मजबूत है, क्या कहेंगे? अभी वार्ड में आपने बड़ा काम भी किया। अजीत ने 700 लोग यहां से जो है दूसरे वार्ड में चले गए थे, तो हाई कोर्ट से आपने उसमें पिटीशन दाखिल किया और वापस उस 700 लोगों को इस वार्ड में लेके आया। बड़ा अच्छा काम किया आपने ये। जी, धन्यवाद आपका। जी जी, मदर टेरेसा वार्ड में ही मेरा निवास स्थान है और क्योंकि यहां से अभी मैं 5 साल पार्षद था, वो वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया और जिस वार्ड में मैं रहता हूँ ये वार्ड अभी सामान्य हो गया। तो मैंने सोचा कि पूरा बचपन इसी वार्ड में निकला है, सब दोस्त यार ही रहते हैं यहाँ पर, तो चलो इसी बहाने इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैंने यहाँ से दावेदारी की है। आज शाम तक पार्टी का निर्णय आएगा, तब तक इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और वार्ड भ्रमण को आपने, मैंने सुना कि आप वार्ड भ्रमण पूरा कर चुके हैं, इसमें क्या समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, क्या लोगों से कहना चाहते हो कि क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या पिछले 1-1.5 महीने से मैं घूम रहा हूँ तो साफ सफाई की है। नगर निगम के कर्मचारी बराबर नहीं आ रहे हैं, या तो पार्षद का जो लगाम होनी चाहिए वो कर्मचारियों के ऊपर बराबर नहीं है। उसके अलावा श्याम नगर में सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की नालियाँ, वो वहाँ पे किसी भी नाली में ढलान नहीं है तो पानी रुका हुआ है एक जगह। आप जानते हैं कि पानी अगर रुका रहेगा तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी उसी से होती है। उसके अलावा 2-4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में। उसके अलावा कई एरिया में नाली नहीं बनी हुई है, रोड से पानी बहता है। तो 2-4 चीज़ें जो ये मेरे को समझ में घूमने से। इसके अलावा BSOP कॉलोनी है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, उसकी कमी वहाँ पर है। आंगनबाड़ी केंद्र होने चाहिए। तो जब मैं 1 महीने से घूमा तो मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ की क्या दिक्कतें हैं और लोगों से रूबरू रोज हो रहा हूँ मैं, डोर टू डोर जा रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव अच्छी से लड़ूंगा। बहुत अच्छा है कि आप वार्डवासियों को और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जनता अभी जागरूक है, वो समझती है कि कौन उनके लिए काम करेगा कौन नहीं करेगा और कौन झूठे वादे कर रहा है कौन सच्चे वादे कर रहा है और किसने पहले काम किया है, और उस हिसाब से जनता अपना निर्णय लेती है और जनता जो निर्णय लेगी वो सबसे सही होगा। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।